हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड बेरेट्रिक सर्जरी, मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। आज असी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे गल करना चाहते हैं, जिहड़ा कि एक यंग फीमेल नाल बीतिया। फीमेल साढ़े कोल एक्सीडेंट तो बाद ब्लंट ट्रोमा एबडोमन के नाल एमरजेंसी च आई। इनिशियली असी इस पेशेंट नूं कंजरवेटिवली मैनेज किया, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सानू पता लग्या कि ये ग्रेड 4 स्प्लेनिक इंजरी है, जिसकी वजह नाल ब्लड लगातार पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। फिर असी डिसाइड किया कि पेशेंट नू स्प्लीनेक्टमी की जरूरत है। जनरली यह प्रोसीजर ओपन टैक्निक नाल किया जाता है, लेकिन असी पेशेंट यह प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिकली किया। तो हुण आपां पेशेंट तो सुनते हैं इस प्रोसीजर दे लैप्रोस्कोपिकली करन नाल की उन्हों बेनीफिट होया। मेरा नाम गुरमीत कौर है। मेरा एक्सीडेंट हो गया सीगा, सानू इत्थे दस्सिया कि मणिपाल हॉस्पिटल बहुत वधिया है, इत्थे मैनू ट्रीटमेंट ले लिया गया, इत्थे मेरा इलाज बहुत वधिया किया गया, मेरा ओपरेशन होया है, सर्जरी ओपरेशन होया मेरा, कि बहुत वधिया ऑपरेशन किया। पहला मेरा ऑपरेशन दूसरे लोड कहते भी डेटा कट कट्टे जो वे मैं डर लग रहा है, पता नहीं किन्ना को कट बढ़न। सिस्टर ने भी बहुत वधिया ध्यान दिता, मेरा केयर वधिया की। डॉक्टर पंकज ने मेरा ऑपरेशन किया, बहुत वधिया ऑपरेशन किया। लैप्रोस्कोपी का बेनीफिट है कि पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज होंदा है, जल्दी रिकवरी होंदी है, कोई इनसीजन नहीं आता। तो साडे हॉस्पिटल च इस तरह के एडवांस लैप्रोस्कोपी के केस रूटीनली हो रहे हैं। थैंक्स।